आज की ताजा खबर पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जहां काशीपुर में रहने वाली एक लड़की को पड़ोस में रहने वाले लड़के से प्यार हो गया। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदली उन्हें पता भी नहीं चल पाया, परंतु लड़की अपने प्रेमी की असलियत से वाकिफ नहीं थी, इसलिए उसके ऊपर अंधाधुंध विश्वास करती थी, जिसके चलते लड़के ने उसके भोलेपन का फायदा उठाया और उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। जब पीड़ित लड़की ने अपने प्रेमी के ऊपर दुष्कर्म के आरोप लगाए तो वे उससे शादी करने के लिए राजी हो गया, मगर शादी के मंडप में जब 5 फेरे हुए तो वे मंडप छोड़कर वहां से फरार हो गया। मामला जब पुलिस में पहुंचा तो व्यक्ति ने रिपोर्ट में बताया कि वे हापुर में रहती थी। वहीं उसके पड़ोस में सुनील नाम का व्यक्ति अपने दीदी और जीजा के साथ रह रहा था। युवती ने बताया कि जिस दिन से वे अपने दीदी और जीजा के साथ रह रहा है उसी दिन से उसके साथ बातें करने की कोशिश कर रहा था और अपने प्रेम जाल में फंसाने के लिए हर संभव प्रयास करने में जुटा हुआ था। ऐसे में जब युवती को सुनील से प्यार हुआ तो वे उसको शादी का झूठा झांसा दे रहा और जबरन उसके साथ नाजायज संबंध बनाने लगा। इतना ही नहीं बल्कि उस युवती की बोलती बंद करने के लिए सुनील ने उसका MMS बना लिया, जिसके बलबूते पर वह उसके साथ ब्लैकमेलिंग के जरिए दुष्कर्म करता रहा।